नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई क्या सुर्खियां हैं। महत्वपूर्ण सुर्खियों को विस्तार से मैं आगे बताने वाला हूं। तो बता दूँ कि यास तूफान से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जो है प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा जो है जल्द ही वहाँ सामान्य जनजीवन प्रभावित क्षेत्रों उनको जो सामान्य लाने के लिए वहाँ पे व्यवस्था के लिए जो है सरकार आगे बढ़ी हुई है और आकलन करने के लिए जो है जल्द ही वहाँ पे प्रभावित क्षेत्रों को जो है सरकार के द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही देश में मासिक 21 करोड़ कोरोना टीका उत्पादन करने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है और कल देश भर में 3.5 लाख से अधिक लोग संक्रमित मरीज जो है ठीक हुए हैं। और मैंने बताया है कि LAC पर जो है कड़ी निगरानी के लिए भारत जो है तैनात कर रहा है 4 हेरोन ड्रोन और अमेरिकी के भी ड्रोन को भी, और हेरोन की बहुत सारी खूबियां भी है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन की हरकत पर नजर रखता है। इसी के साथ मैं बता दूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो है पत्र 8 करोड़ में बिका है। तो चलिए इसी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बता दूँ कि सबसे पहले आज क्लास में क्या है खास, तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब और उनके जवाब एक साथ ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है, तो आज भी एक स्पेशल टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। उसका थाट्स ऑफ द डे जो कि हमारी क्लास का गुरु है, और आखिरी सब टॉपिक विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि पिछले 6 महीने से अधिक समय से जो है आपको प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। चैनल से जुड़ सकते हो, कोई भी तरह का आपको जो है फीस पेड करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये गरीब बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं SSC CGL रेलवे की। सही जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1964 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक महबूब खान का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1971 में तत्कालीन सोवियत रूस ने मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्षयान Mars 3 का प्रेक्षण किया। आज ही के दिन वर्ष 1923 में प्रसिद्ध अभिनेता एवं तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक NT रामाराव का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1960 में जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक यान फ्लेमिंग का जन्म हुआ। और आखिरी सवाल, आज ही के दिन वर्ष 1674 में जर्मनी के सांसद ने फ्रांस की में युद्ध की घोषणा की। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आप, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां दे दूं कि कैलिफोर्निया में एक आंशिक परीक्षण के दौरान जो पुष्टि की गई है कि गैलापागोस द्वीप जो कि कैलिफोर्निया में समूह पर जो 2019 में पाए गए विशालकाय कछुआ करीब 100 साल पुराना है। तो 1906 में आखिरी बार जो इस प्रजाति की कछुए को देखा गया था और 2019 में जो है महिला ने खोजा था। सांताक्रूज द्वीप के प्रजनन केंद्र में इसको संरक्षित किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। और जो है वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन के चरम बिंदु से केवल 5 साल दूर है, धरती गर्म होने का रिकॉर्ड टूटने की आशंका है। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डे की ओर। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसर से 1838 पेड़ों को प्रतिरोपित करने का निर्णय लिया है। इसमें सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत 3 नए कार्यालय भवनों के निर्माण किया जाना है। इसके लिए CPW ने निविदा आमंत्रित की है। संबंधित एजेंसी को 60 दिन में पेड़ों को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाना होगा और 365 दिन प्रत्यारोपित किए गए पेड़ों को रखरखाव करना होगा, यानी 1 साल। ऐसा नहीं करने पर एजेंसी को 5,000 का जुर्माना देना होगा। इस पर लगभग 1.86 करोड़ रुपए खर्च होने का संभावना है। तो बहुत ही कम राशि एक तरह से देखा जाए, लेकिन इतने बड़े जीवन बचाने की जो जो बीड़ा उठाया है कंपनी ने या सरकार ने, जो जल्द ही पूरा होगा, ऐसी सभी को जो है कामना है। बिल्कुल दोनों को जो है ना नुकसान हो, ये कहावत है ना, ना सांप ना टूटे, सांप ना मर गया भी लाठी भी ना टूटा, तो ये कहावत जो है होनी चाहिए। तो इसी को पूरा करते हुए सरकार ने जो है ये फैसला लिया। सेंट्रा विस्टा भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। तो चलिए इसी के साथ आगे जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ थॉट्स ऑफ द डे। आई हैव फेल्ड एट टाइम्स, मैंने जो है कई बार मैं जो है फेल कर चुका हूँ यानी अनुत्तीर्ण हो चुका हूँ। आई नेवर स्टॉप, मैं कभी रुका नहीं, ट्राइंग 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 वो करते कोशिश करता रहा। तो जरूरी है कि आप कई बार फेल हो गए जीवन में,
ये बहुत ही जरूरी है। यदि आप फेल नहीं होते तो आपको सफलता की सीढ़ी या सफलता का स्वाद चखने को नहीं मिलेगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार असफल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो फिर तो हार मान लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप असफल हो गए तो आपका ये जीवन उनकी गाड़ी रुक गई है। आप बार बार ट्राई करो, कोशिश करो, हार मत मानो। जब तक कोशिश करो, कहा सुनो ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बहुत जरूरी है। राहुल द्रविड़ क्रिकेटर जो है उनके द्वारा ये कहना था, काफ़ी जो अशुभ काफ़ी जो सुपर रहा ये। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। इसके साथ ही बता दें कि कल का आप लोगों ने क्लास नहीं किया तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो 27 मई का क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एम्फोटेरिसिन बी इमल्शन इंजेक्शन को 1200 रुपये में लॉन्च कर दिया है। इससे पहले देश में 7000 का जो है इंजेक्शन दिया जाता था। तो बहुत ही बड़ी एक बदलाव की गई है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कल अब तक जो है बाजार में यह इंजेक्शन 7000 में उपलब्ध है, बताया गया। मैंने तुम्हें बता ही दिया। जेनेटिक लाइफ साइंस की रोजाना लगभग 20000 वायल का उत्पादन करने की क्षमता, ये बात कही गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो सभी लोग इनसे वाकिफ होंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात की जा रही है। दुनिया के महान भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा लिखा गया पत्र 8 करोड़ में नीलाम हुआ है। तो कुछ तस्वीरें जो है मैं नहीं शेयर कर पाया, लेकिन उनकी फोटो जरूर कर पाई। तो आइंस्टाइन पेपर प्रोजेक्ट और हिब्रू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के द्वारा इस हस्तलिखित पत्र में आइंस्टाइन का प्रसिद्ध E=mc² समीकरण शामिल है। यह भौतिकी विज्ञानी की अपनी लिखावट में समीकरण का सिर्फ 4 ज्ञात उदाहरणों में से एक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइंस्टीन के पिस्टन लेटर हेड के साथ कागज में जर्मन में लिखा गया यह पन्ने का यह पत्र पोलिश अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक लुडविक लिवरस्टीन को भेजा गया था, जो इस समय आइंस्टाइन के कुछ सिद्धांतों के प्रसिद्ध आलोचक थे। दस्तावेजों का आइंस्टाइन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 26 अक्टूबर 1946 को जो है अंकित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज के चलते हैं। अमेजन के संस्थापक जेक बेजोस 5 जुलाई को जो है कंपनी के सीईओ पद छोड़ देंगे। ये बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जगह पर जो है नए व्यक्ति को जो है भूमिका संभालेंगे वो है एंडी जेसी। तो बेजोस ने जो है बुधवार को अमेजन के शेयरधारकों की बैठक में जो है ये कहा है, हमसे इस तारीख को चुना है कि हमने क्योंकि मेरे लिए इसका भावनात्मक महत्व है। उन्होंने बताया कि ठीक 27 साल पहले 1994 में इसी दिन अमेजन की स्थापना हुई थी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पेंशन कोष नियामक FPFRDA ने निवेशकों को क्रेडिट कार्ड से जो है NPS में निवेश करने का विकल्प दिया है। तो निवेशकों को बढ़िया विकल्प के लिए जो है समझदारी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये बातें जो है सामने आई है। तो NPS की ओर से आकर्षण बनाने के लिए पेंशन कोष नियामक FPFRDA ने निवेशकों क्रेडिट कार्ड का भुगतान का विकल्प दिया। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों के लिए बढ़िया विकल्प है, लेकिन समझदारी के साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की अवधि 10 दिन यानी 21 से 30 नवंबर तक होंगे, ये बातें की गई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक में बुधवार को यह फैसला किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ में 21 से 30 नवंबर 2021 तक किया जाएगा, जिनमें 90% स्पर्धाएं पंचकुला में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज क्या चलते हैं, जो काफ़ी फेमस है इन दिनों दुनिया में, तो वो है फुटबॉल। स्पेन की क्लब विलारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर जो यूरोपा खिताब पर कब्जा कर लिया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि कहा गया है कि 98 साल के अपने इतिहास में विलारियल ने पहली बार कोई बड़ी ट्रॉफी जीती है। 4 यूरोपा लीग खिताब है यह विलारियल के कोच अमेरिका। तो चैंपियंस लीग में जो भी जगह बनाई है, गोलकीपर ने जो है दागा विजयी गोल, तो और जो है 11-10 से जो है हराकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है हराकर यूरोपा का खिताब या यूरोपा का लीग जो है अपने नाम कर लिया है स्पेन की क्लब विलारियल ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर पढ़ते हैं। आखिरी 4 सवाल जो बचे हुए हैं फटाफट उनको डिस्कशन कर दूं, मैं आपको बता दूं। तो भारतीय और भारतोलोतक अंकिता सूली ने जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में जूनियर विश्व
भारतोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता है, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इनके लिए। तो 313 केजी में जो है उन्होंने उठाकर यह जीता है। इंडोनेशिया की रिजकी को जो है पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, या जो रिजकी ने इनको छोड़ दिया। 349 केजी के साथ जो है वो गोल्ड मेडल जीती हैं। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। अमेजन ने 8.45 बिलियन डॉलर में जो है एमजीएम स्टूडियो का अधिग्रहण किया। एमजीएम स्टूडियो का कहना का मतलब है मेट्रो गोल्डविन मेयर, जिसको 2024 में स्थापित किया जाता है। ये काफी जो है फेमस है, ये दूसरी दुनिया अभी तक की जो है अमेजन के द्वारा दूसरी सबसे बड़ी अधिग्रहण है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं, आखिरी दो सवाल की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों और पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए जो है टेलीमेडिसिन सेवा सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एवं टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे कहा गया है कि उन्हें बिना किसी परेशानी के चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। सिंह ने कहा कि ऑनलाइन ओपीडी के जरिए अस्पतालों का बोझ कम करने के साथ दूरस्थ इलाकों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सूचित की जाएगी। कहा कि सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए जो है इस संकटपूर्ण समय में यह बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो चलिए इसी के साथ आगे बता दूं मैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीजों का कोविड वार्डों में नकारात्मक कोविड रिपोर्ट के साथ सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने वाली है। तो जो भी पेशेंट जिसका कोरोना से पॉजिटिव थे वो इलाजरत थे और वो धीरे धीरे जो है नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनको भी यदि ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उनको मुफ्त में जो है यूपी सरकार यानी आदित्य योगीनाथ की सरकार के द्वारा जो है कराई जाएगी। तो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है, वो लगातार जो सुर्खियों में भी है। WHO भी उनको तारीफ कर चुकी है, उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कोरोना पेशेंट के लिए जो है एक अच्छे तालमेल के साथ जो है इलाज किया, जो कि यही स्थिति है कि अभी कोरोना जो है नगण्य मामले देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर। तो बारिश के दौरान ऊर्जा को स्थित ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन से निकलेगी। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। यह मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह फैराडे का नियम द्वारा संचालित होता है। तो यह था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली रेलवे एग्जाम SSC CGL। तो आप जरूर इसको नोट्स तैयार करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ताकि जो है आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लगातार क्वेश्चन की सीरीज जो है आपको डेली 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आ चुकी है और आने वाले एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि सवाल अवश्य पूछे जाएंगे, जो काफ़ी जो है चुनिंदा सवालों में से एक ये सवाल आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप जरूर ध्यान से इसको नोट्स तैयार करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मैं जॉब अलर्ट से जुड़ा हुआ लेकर आया हूँ, एवरीडे 3 दिन से 4 दिन आज हुए हैं। तो CMOH हावड़ा के द्वारा जो है 350 स्टाफ नर्स और अन्य पद किए गए, तो वहाँ इंटरव्यू की 31 मई की गई है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से 12वीं GNM BSc नर्सिंग या संक्षिप्ता योग है। वेबसाइट जो है healthhealthyhawara.org से जुड़ करके जो है आप इसके बारे में सभी क्रिटेरिया, इसकी रिक्वायरमेंट सभी जान सकते हो क्या है। तो एग्जाम अलर्ट की बात की जाए तो जिमपैट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मेजरमेंट एडमिशन टेस्ट जिमपैट 2021 के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन जो है का मौका है। स्टूडियो की सुविधा के लिए जो है स्टूडेंट की सुविधा के लिए इसके आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक कैंडिडेट इसके लिए जो 31 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा के आधार पर नए सत्रों में IIM बोध गया एवं जम्मू के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिला दिया गया है।
तो आवेदन पत्र में संशोधन की गई है। कैसे करें आवेदन, तो ये दिखाया गया है। कैंडिडेट आवेदन संबंधित विस्तृत जानकारी जो है वेबसाइट पर देख सकते हो। परीक्षा तिथि जो है कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा तिथि जो है अभी निर्धारित नहीं की गई है, इसके लिए सूचीबद्ध आगे की जाएगी। तो चलिए आगे बता दूँ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CHIR सहित कुछ 6 संस्थान ने वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है किया शोध। बंद स्थानों या कमरों में संक्रमण का खतरा कम करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। घर में इन बातों का रखें ख्याल। सिंगल विंडो वाले कमरों के दरवाजे खुले रखें, खिड़की के पास पंखे का इस्तेमाल करें। बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेशन की सुविधा हो। बिना खिड़की या वेंटिलेशन की समस्या वाले कमरे में उपयोग न करें। मेहमानों के कमरों को उनके आने और जाने के 15 मिनट तक खुला रखें। तो बता दूं कि 13 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक बहा दिया गया समुद्र में 1 साल के भीतर, ये रिपोर्ट सामने आई है। 20 कंपनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है एकल उपयोग होने वाला आधा से ज्यादा प्लास्टिक। तो कचरा रिसाइकलिंग पर जोर दिया जा रहा है। तो वायुमंडल लगातार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के लिए जो चिंता का विषय बना हुआ है। इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में रिसाइकलिंग को बढ़ाकर प्लास्टिक कचरे से निपटान की बात की गई है। इसमें प्लास्टिक कचरे के एडवांस रिसाइकलिंग समाधानों पर काम करने की जरूरत को बताया गया, ताकि उत्पादों से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सके। एक रिपोर्ट भी सामने आई है और कहा गया कि समुद्र में या वातावरण में जो है जिस तरह से प्लास्टिक कचरे फैल रहे हैं, जो आने वाले जो समय में खतरे की घंटी हो सकती है। मनुष्य के साथ साथ जानवरों जीव जंतुओं पर जो है को ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। तो पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए जो है इसको जल्द से जल्द रिसाइकिल करने की जरूरत है, ताकि इससे बचा जा सके इसके दुष्प्रभाव से। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि और कंटेंट वगैरह मिल सके। और इस तरह से क्लास से जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो रोज 11:30 बजे का समय जो है मैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर जाती है, तो आप जुड़ सकते हो। So thank you very much for watching. Thank you.